वो नहीं चाहते तो क्या करना है वो लड़का, घर में सजा के रखने वाली टॉफी, कभी तालियां बजाकर हमको गाने पर मजबूर नहीं कर सकती। उनकी तालियां, उनका प्यार, उनका अपनापन ही हम में इतनी ऊर्जा भर देता है कि मैं तो चाहूंगी कि आज मुझे आप आशीर्वाद दें कि मैं गाते गाते जाऊं। बस आज आपसे यही मांगूंगी, केशव भैया आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है इस बरसात में, और काफ़ी हौच-पौच हुआ मामला, लेकिन उसके बावजूद आपने इस प्रोग्राम को किया और इतने प्यारे प्यारे आर्टिस्ट लोगों ने जो गाने गाए हैं और हमारे म्यूजिशंस भाई बहनों ने और आर्टिस्ट भाई बहनों ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, ये तो सुनकर आज ऐसा लगता है हजारों साल बाद मैं सामने बैठकर सबको सुन रही हूँ। तो मैं खुद सोच रही थी कि जो गाने मुझे दिए गए, ये गाने बहुत मुश्किल गाने हैं, बड़े टफ गाने हैं, और इन बच्चों ने कैसे गा लिए, इनके लिए एक बार इतनी जोर से तालियां बजाइए कि ये छत नहीं, छत नहीं, इनके घरों तक आवाज़ जानी चाहिए कि आज इस्कॉन के मंच पर इन लोगों ने परफॉर्म किया है। मैं चाहूँगी और कुछ गीत सुन लिए जाएं, फिर ये दिन कब मिलेगा, फिर ये शाम कब मिलेगी, आप सबसे माफी चाहती हूँ। जल्द ही मिलेगी दीदी। और कसाब भाई केशव साहब, आपको सबके सामने मुंबई में एक और सुंदर सा वो मेरी अंडर कंडक्शन आपकी बात कोई नहीं डालेगा दीदी यहाँ पर, वो मेरे अंडर कंडक्शन जिसको हम काफी, और आपके अंडर कंडक्शन प्रॉमिस कर रहे हैं आज स्टेज, प्रॉमिस और जो रह गए वो भी आएंगे, जो रह गए वो भी आएंगे, उनको पकड़ के ही वो लाएंगे। लोग प्रोफेशनली करते हैं, कहाँ कहाँ शनमुहानन, क्या बात है, क्या बात है, तालियां 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 तालियां। शनमुखानंद की क्षमता 30,000 है और 3,000, और मैं ममता जी, दीदी ये जो पाली हिल वाले सब जो सारे फिल्म स्टार रहते हैं वहाँ से कुछ 30 महिलाएं आई हैं, पाली हिल की सब स्टारों वाली हैं, तो ममता जी आपका भी ग्रुप का एक फोटो दीदी के साथ होगा, आप कुछ बोलना चाहती है ना, आइए। और दीदी इतनी संगीत की प्रेमी है क्या दीदी, क्या ये इतनी संगीत की प्रेमी है, पाली हिल वाला जो ग्रुप है इनका, आइए जरा आइए, दो मिनट आइए सही मंच पर, जब तक उषा जी आ रही है फिर एक बार और शुरू होगा। सचिन और गुलाल जी और श्वेता, सचिन कुणाल जी आइए जी, सचिन कुणाल जी, सविता जी आप भी आइए, योगी जी आप भी आइए, जोरदार तालियां, हॉल वाले की जोरदार तालियां। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला भाई। अंदर की बात यह है भैया, मैं हेमलता दीदी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं अपने कंजूस सेठ मनमोहन तिवारी के गुर्दों में छेद कर दूं और 6 महीने की तनख्वाह निकाल लूं। और भाई मैं डॉक्टर कम तांत्रिक, आपने देखा होगा लाफ्टर की मेडिसिन देखते हुए, लेकिन मैं यहाँ पे आपके आशीर्वाद की मेडिसिन लेने आया हूँ, एक ऐसी लिविंग लेजेंड हमारे बीच बैठी, जरा जोरदार तालियां आपके सम्मान में।
और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज साक्षात्कार हो रहा है जिनके बारे में कम उम्र में इतनी सारी बातें, और क्योंकि म्यूजिक लाइन से रहे, इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी चीजें आपकी सुन रखी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज इस काबिल बना हूं कि आपके साक्षात दर्शन कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल आप ही के लिए लिख कर लेके गए वो, ये हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जोरदार तालियां होना चाहिए यार। अरे दीदी का नाम हेमलता ऐसे ही नहीं है, वो दिखती हेमा की तरह है और गाती लता की तरह है। हमारे केशव राज जी का जोरदार तालियां, और साथ में हमारे चिंतन किशोरदा, और हमारे वानखड़े साहब कहाँ हैं, हमारे गिरीश वानखड़े साहब हसीनों से घिरे हुए हैं, लेकिन गिरीश वानखड़े साहब को मैं कहता हूँ कि ये अलग टाइप के वानखड़े हैं, ये सचिन वानखड़े टाइप के नहीं। और भाई और कौन है भैया, उधर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। या सर इधर लुक, या इधर इधर सेंटर, चल रहा है अभी। यहाँ पर हेमलता जी ने करीब करीब 5,000 गाने गाए हैं और 40 भाषाओं से अधिक में, और रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला जी की विशेष प्रस्तुति आज। गिरीश वानखेड़े जी जय भीम के चेयरमैन हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपके सामने भी गिरीश जी कहेंगे। और चिंतन जी को हाल ही में अमेरिका के एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट, वोकल में डॉक्टरेट की उपाधि दी है, और हाल ही में अभी ये 2 एल्बम की शूटिंग कर कश्मीर से लौटे हैं, आज यहाँ हैं, और 2 दिन बाद फिर इनके एल्बम की शूटिंग देहरादून वगैरह में होने वाली है। अब चिंतन जी बताएं, तो पहले गिरीश जी बताएं। पहले गिरीश जी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है आज, क्योंकि केशव राय साहब हमेशा से बड़े बड़े इवेंट्स करते आए हैं, और ये हेमलता जी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है वो तारीफ़ काबिल है। कई सारे सिंगर्स यहाँ आए हैं, उनमें उल्लेखनीय नाम है चिंतन जी का, और चिंतन जी ने जिस तरीके से समा बांधा है अभी किशोर कुमार साहब के गानों पे, वो कमाल का था। मतलब हम इस शो के को स्पॉन्सरर्स है, मेन मुख्य स्पॉन्सर, और मैं इनका स्पॉन्सर रहा हूँ, और केशव साहब ने इतने सालों में जितने भी इवेंट्स किए हैं वो बड़े खूबसूरत हुए हैं। हमको बड़ी खुशी होती है कि जब एक इतने सीनियर सिंगर जैसे कि हेमलता जी, उनके साथ ये जब शो करते हैं, और चिंतन जी जैसे जो नए वर्ग के नए युवा सिंगर है जो इतना सारा काम कर रहे हैं, ऐसे सिंगर जब आके उनको ट्रिब्यूट देते हैं तो बड़ी खुशी बात है। और जय भीम ये शॉर्ट वीडियो ऐप है, इसे आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप के ज़रिए हम नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं जिसमें आप गाने गा सकते हो, आप वीडियोज़ कर सकते हो, डांसेस कर सकते हो। तो आज के उपलक्ष्य में हमको बड़ी खुशी हुई कि हम इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम का भाग बने। चिंतन जी क्या कह रहे हैं, आपकी एल्बम भी कोई आने वाली है, आ चुकी है कुछ? जी क्या कहना चाहेंगे सर? आपका प्रोग्राम मुंबई में रहता है महीने में 2 से 3 बार। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। प्रथम तो सभी हमारे जितने भी श्रोता और स्टिल्स और वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं, हम तीनों को और हम सब का बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम, वंदन, नमस्कार। और आज का प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम जो कि अभी चल रहा है, जिसमें हम हेमलता दीदी के गाए हुए गीतों को हम सब मिलकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और जैसा कि अभी गिरीश भैया ने बताया कि मैंने बचपन से किशोरदा को पूजा है, गाया है, और उनको भले मिल नहीं पाया, देख नहीं पाया, लेकिन मैंने अभी हाल ही में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑडिटोरियम के अंदर कुछ गीत गाए, जिससे कि सबका बहुत प्रतिसाद और प्यार मिला, हमारे गिरीश भैया का, केशव भैया का, सबका आशीर्वाद। और दीदी ने, हेमलता दीदी ने मुझे स्टेज के पास आकर मुझे इधर उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्यार दिया, बहुत बहुत आत्मीयता दी कि तुम बहुत नाम करोगे, तो अभी मैं उस प्रयास में हूँ। और जहाँ तक कि अभी आपसे आप द्वारा पूछा गया है, अभी मैं हाल ही में मेरी शूटिंग हुई है पटनी टॉप और श्रीनगर के अंदर,
जो मेरा सिंगल प्राइवेट सॉन्ग है जो कि डुएट सॉन्ग है और बहुत जल्दी आप सबके बीच में पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हो रहा है। उसके उसके शुरुआत के बोले आँखों की गुजारिश, तो ये बड़ा सुंदर रोमांटिक सॉन्ग है और जन्नत सा लगे लम्हा इसके अंदर क्रॉस लाइन में गाना में लाइन आती है, तो इसलिए उस जन्नत को बताने के लिए पूरी प्रोडक्शन टीम हम लोगों को कश्मीर ले गई, तो वाकई कश्मीर स्वर्गीय है। और उसके बाद में 17 जुलाई को मैं सीधे दिल्ली आया कश्मीर से और वहाँ पर मुझे परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई, जो कि मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि वोकल म्यूज़िक में मैं ही अकेला, आई वॉज द ओनली रेसिपियंट टू गेट दिस डॉक्टरेट अवार्ड, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वोकल म्यूज़िक। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को डॉक्टरेट मिल गई तो अब मैं मतलब सब एंड हो गया, लेकिन बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब मैं ज़ीरो पे पहुँचा हूँ, अभी मेरे को 100 तक का अंक पूरा तय करना है। और जिसमें हमारे गिरीश भैया है जिनका शॉर्ट वीडियो ऐप जो कि अभी पूरा धूम मचा रहा है पूरे देश में, और आने वाले समय में तो ये बच्चों की, यंगस्टर्स की, घर के गृहणियों की, सबकी जुबान पर रहेगा जय भीम। और जो है उसमें कई चीज़ों में हो सकता है संगीत के और कई चीज़ों में मुझे मौका भी मिलेगा हमारे गिरीश भैया के आशीर्वाद से। और कई और गाने और एल्बम्स और मूवीज़ मेरी बहुत जल्दी आ रही है और मैं माया नगरी में हूँ, तो यहीं से आशीर्वाद आप सबसे चाहता हूँ। जो इस्कॉन जो ऑडिटोरियम जिसमें अभी हमने परफॉर्म किया, मेरी बम्बई की जो शुरुआत हुई आज से शो, स्टेज शो के लेवल पे फर्स्ट शो मैंने जो इस्कॉन में किया था, और उसका भी हमारा क्रेडिट केशव जी को जाता है। केशव जी का जिस प्रकार से गिरीश भैया ने कहा कि ये इंदौर हो चाहे उज्जैन हो चाहे देश के विभिन्न प्रांत हो और चाहे बम्बई हो, हमेशा प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देते हैं। और आज भी करीब मेरे ख्याल से मोर देन 15 से सिंगर से ऊपर हैं शायद जो हेमलता दीदी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सब कहीं ना कहीं एक सपने सजा के इस माया नगरी में आए हुए हैं और बहुत प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। तो आप सबके माध्यम से, क्योंकि आज का समय डिजिटल वर्ल्ड है, तो मैं यही चाहूँगा कि इस तरह से पूरे देश और दुनिया तक आप सब, हमारे सभी मीडिया से संबंधित आप सभी इसको आगे बढ़ाएं और हम सब पे आशीर्वाद मिले। और मेरा जो इंस्टा एड्रेस है चिंतन रॉकस्टार है, इंस्टाग्राम एड्रेस, और चिंतन रॉकस्टार ऑफिशियल पेज वेबसाइट और फेसबुक पेज है, कृपया आप उस पर मुझे हमेशा प्यार दें। आने वाले और वेंचर्स, एल्बम्स, मूवीज़, टीवी शोज़ सब जगह आपको दिखूँगा, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। तो मैं मेरे माता पिता, मेरे गुरुओं को, किशोर दा को और हेमलता दीदी को, सभी को, रविंद्र जैन साहब को, सभी को मैं प्रणाम चरण वंदन करता हूँ। केशव भैया का धन्यवाद, गिरीश भैया का बहुत बहुत प्यार सत्कार, थैंक यू सो मच आप सब ने समय दिया। पूरे मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी फिर हमारा सर, जी आपकी कितनी मेहनत है, ये क्या कहना चाहेंगे आप? आप देश में विदेश से ढूंढ कर लाते हैं, देखो क्या है कि गिरीश जी भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं और मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, तो जब हम बैठते हैं तो बातचीत चलती है, तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो हेमलता जी का जो प्रोग्राम बना जय भीम के ऑफिस में ही बना था, और फिर हमने चिंतन जी से बातचीत की, चिंतन जी भी तैयार हुए गाने के लिए, इसीलिए ये भी दिल्ली से और कश्मीर दिल्ली होते हुए मुंबई में आए हैं कि कल फिर चले जाएंगे। तो ये इस तरह के एक नया कि जो हमारी लीजेंडरी है जिन्होंने फिल्म संगीत जगत को पूरी दुनिया भर में पहुंचाया है, तो उनको स्वर्ण जयंती के अवसर पर याद करना हम सभी का परम कर्तव्य है, दायित्व है कि उनकी यात्रा को नई पीढ़ी तक पहुँचाया जाए। इसकी ऑडियंस भी बिल्कुल अलग है, शायद हमने पहली बार देखा है कि 15-20-25 की उम्र में लोग, लेकिन इतने चिंतन भाई की खासियत है कि जिस तरीके से ये समा बांध देते हैं, पर किशोर कुमार के गाने पर तो लोगों ने डांस करना ही करना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सारे मोबाइल की जो लाइटें चल रही थी जो इनके डांस। और ये बहुत खास बात है एक कि मैंने किशोर दा का गाने आज क्यों गाए, क्योंकि आज वैसे तो मुकेश जी का बर्थडे है, हमारे महान लेजेंडरी सिंगर, लेकिन किशोर दा का भी 4 अगस्त को जन्मदिन आ रहा है। और ख़ास बात ये है कि हेमलता दीदी ने काफ़ी गाने किशोर दा के साथ भी गाए हैं, और किशोर दा ने मुझे कल ही हेमलता दीदी ने बताया, मैं बात आज शेयर भी करना चाहता हूँ, गिरीश भी आपको बताना चाहता हूँ, कि हेमलता दीदी जब एक गाना स्टूडियो में गा के और जब बाहर आए, तो किशोर दा ने हेमलता दीदी को कहा कि अब तुम हेमलता, अब तुम माइक स्टूडियो के माइक पे भी बहुत अच्छा गाना गाने लग गई हो। और तो ये एक बहुत बड़ा प्रतिसाद, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट
किशोरदा, और किशोरदा बहुत प्यार करते थे हेमलता दीदी से, उनकी आवाज़ से, उनकी आवाज़ में एक अलग खनक है। तो इस कारण से ये आज का प्रोग्राम ऐतिहासिक, बेहद सफल, और बहुत हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं, दीदी भी खूब खुश हो रही है, आनंदित हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे? मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इस प्रोग्राम का भाग बना, और किशोर साहब के साथ तो कई सारे इवेंट्स हम करते आए हैं, लेकिन ये इवेंट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हेमलता जी खुद यहाँ मौजूद है, और चिंतन भाई जब परफॉर्म करते हैं तो वो तो समा भाग, और जिस तरीके से मैं शो देख रहा हूँ अभी तो सिर्फ 25% ही शो हुआ है, अब आगे और बढ़ने वाला सारे गाने हैं। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत उत्साह है, जोश है, और हमें बड़ी खुशी और प्राइड हम महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े शो का हम भाग गए। बहुत कम लोगों को पता है आपका किशोर जी का क्या रिश्ता है शहर से, गांव से, एमपी से। ये सब तो एक, मैं ये कहूँगा कि एक 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 बहुत शुभ संयोग है कि मैं उसी शहर से हूँ जहाँ किशोरदा पढ़ने पढ़ाई करी, और उसके पास मैं खंडवा जहाँ से किशोरदा का जन्म हुआ, ये मैं संयोग मानता हूँ। लेकिन मेरा और किशोरदा का एक आत्मा का रिश्ता है, एक रूह का रिश्ता है। मैं जब भी उनके गीतों को गाता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मैं किशोरदा के गीतों को गा रहा हूँ, मैं किशोर कुमार जी के गीतों को गा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं, वो मेरे लिए गाने बनाए गए, इसलिए मैं नीचे लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, पब्लिक में कूद जाता हूँ, क्योंकि वो एक पिता तुल्य, गुरु तुल्य हैं। तो इसलिए मैंने कभी उनसे मिला नहीं, कभी उनको देखा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा वो मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और हमेशा मेरे साथ रहेंगे, मेरे पास रहेंगे। आई ऑलवेज लव हिम, और पूरा देश, पूरी दुनिया किशोरदा को आज भी प्यार करती है, मोहम्मद रफ़ी साहब को प्यार करती है, मुकेश जी को करती है, लता दीदी को करती है, आशा ताई को करती है, और हमारी हेमलता दीदी को भी करती है। तो जाते एक लाइन बनाएंगे आपके। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे आप सब यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते किशोरदा हेमलता दीदी मेरे ये गीत याद रखना, ला 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 ला, ला। कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सर, थैंक यू।